हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने इस कॉलेज में अप्लाई कर दिया और मैं बहुत चिल होकर बैठ गया कि यार इस कॉलेज में तो मेरा हो ही जाना है। बट गेस व्हाट, मेरे साथ क्या हुआ, एंड तक देखना। बात करते हैं एवरेज फीस दोनों कॉलेजेस में कैसे बैठती है। लंगारा में जो कोर्सेज होते हैं वो थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू डगलस। डगलस के कोर्सेज थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मेरा जो कोर्स फॉर एग्जांपल है वो अराउंड 15,700 कनेडियन डॉलर्स के है, और अगर मैं सेम स्ट्रीम का कोर्स देखूँ डगलस में, वो अराउंड 18,000 कनेडियन डॉलर्स का है। रेपुटेशन वाइज दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको डगलस से आपका फेवरेट कोर्स मिल रहा है एंड सेम लंगारा से मिल रहा है, तो आप किसी भी कॉलेजेस में चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट वन एंड द सेम थिंग इफ यू आर गेटिंग द कोर्स यू वांट। अब बात करते हैं किस कॉलेज में कोर्स मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो लंगारा में कोर्स मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, मैंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया था अराउंड नवंबर में, और मेरे को जनवरी तक कॉलेज से ईमेल आ गई थी कि भैया ये कॉलेज ऑलरेडी फुल हो चुका है इस कोर्स के लिए, तो आप डेफर करवा लीजिए जान इनटेक के लिए। मतलब अभी जनवरी चल रहा है और वो मुझसे अगले साल के लिए बोल रहे हैं इनटेक के लिए डेफर कराने के लिए। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इसमें कोर्स मिलना ज़्यादा मुश्किल है। डगलस में तो मैंने शायद से यार जनवरी के बाद ही अप्लाई किया था और मुझे 3 महीने के अंदर एडमिशन आ गया था, और मेरी उनसे बात भी हुई थी ईमेल पे। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो वो सितंबर इनटेक ही कंसिडर कर रहे थे उस टाइम पे, जनवरी इनटेक तो उनका बाद में था। तो डेफिनेटली लंगारा में एडमिशन थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, लंगारा में आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो जो कंसल्टेंट्स होते हैं, लेकिन डगलस में ऐसा सिचुएशन नहीं है। डगलस में आप उनके नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो, जैसे एक दो हैं IDP, AEC एक्सेट्रा, तो आप इन्हीं एजेंट्स के थ्रू इनमें अप्लाई कर सकते हो। अभी तक लाइक नहीं की ना वीडियो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है अभी तक तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा ही फायदा है। डगलस की मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगती है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी वो तभी डिडक्ट होती है जब आपको वो एडमिशन ऑफ़र करने वाले होते हैं, लेकिन लंगारा में आपको पहले ही अप्लाई करना होता है, तो एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको भरनी पड़ती है, तो उसके बाद वो बताते हैं कि आपको वो एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो इस चीज़ में मैं डगलस को थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा। अगर मैं बात करूँ डगलस की एप्लीकेशन फ़ीस की, पोस्ट ग्रेजुएशन का मैं जितना जानता हूँ इट्स $100 एंड फॉर लंगारा कॉलेज इट्स अराउंड $155। अगर मैं बात करूँ किस टाइम अप्लाई करना चाहिए कौन से कॉलेज में, लंगारा में अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अक्टूबर तक अपनी एप्लीकेशन फाइनल कर दो, अक्टूबर नवंबर तक। अगर आप डगलस कंसिडर कर रहे हो, डगलस में सितंबर इनटेक के लिए जनवरी टू फरवरी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ जनवरी इनटेक के लिए, जनवरी इनटेक आई वुड रिकमेंड कि फरवरी तक अप्लाई कर दो इन लंगारा, और उसमें अराउंड मई के आसपास अप्लाई कर दो डगलस में, तो मिल जाता है। अब बात करते हैं जो कोर्सेज मैं रिकमेंड करूंगा लंगारा में और डगलस में। लंगारा में मैं 3 कोर्सेज रिकमेंड करूंगा। पहला वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट अगर आप IT फील्ड से हो। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की। दूसरा कोर्स जो लोगों के बीच में पॉपुलर होता है वो डेटा एनालिटिक्स का है। तो डेटा एनालिटिक्स काफ़ी पॉपुलर कोर्स है इन कैनेडा ओनली, तो इसलिए लंगारा में भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है। अब बात करता हूँ मैं तीसरे सेक्शन की। तीसरा सेक्शन जो है वो बिजनेस एंड मार्केटिंग का है। तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स मिल रहा है आपको लंगारा में, या मार्केटिंग टाइप का कोई कोर्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बहुत बढ़िया कोर्स रहेगा। अब बात करता हूँ डगलस के कोर्सेज की जो मैं रिकमेंड करता हूँ। पहला कोर्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो CSIS प्रोग्राम है उनका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ये इसकी शायद से फुल फॉर्म कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। इसमें आप 2 फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हो अपने, एक तो आपका है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और एक है डेटा एनालिटिक्स। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, अगर आपको मिल रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट। दूसरा जो मैं कोर्स की बात करूँगा वो बहुत पॉपुलर है कनाडा में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। गाइस अगर आपको ये कोर्स मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव बहुत है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें इन कनाडा। आप चाहते हो मैं इस पर अगर एक वीडियो बनाऊँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी, मैं और रिसर्च कर लूँगा और बना दूंगा वीडियो। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि लंगारा में मैंने नवंबर में अप्लाई किया था, तो मैं काफ़ी श्योर था कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा। सितंबर इनटेक की बात करो, मैं नवंबर में अप्लाई किया और सितंबर इनटेक के लिए मैं टारगेट कर रहा था, और मुझे 2 महीने बाद ईमेल आई कॉलेज से कि ये कोर्स ऑलरेडी फुल हो चुका है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। तब मैंने समझा कि लंगारा के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और काफ़ी उनका नाम भी है, इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी बच्चे इसके लिए प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि यार यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कॉलेज है, कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत आसान काम है, देखो आसान काम है बट टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमिंग से अप्लाई नहीं कर रहे ना तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, तो मुझे जनवरी इनटेक में डेफर करवाना पड़ गया। तो डेफिनेटली प्लान योर एडमिशन अकॉर्डिंगली। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी तो लंगारा में मुझे एक ड्रॉबैक लगा जो शायद डगलस में नहीं है। वो ये है कि जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं, आपको कोर्सेज़ के लिए रजिस्टर करना होता है उस सेमेस्टर के लिए। तो काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो उनका जो डिज़ायर्ड कोर्स है जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करी है वो वेट लिस्टिंग में चले जाता है। इसका मतलब है कि उनको वो कोर्स उस सेमेस्टर के लिए नहीं मिल रहा या उनको वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों में लंगारा में काफ़ी फाइट रहती है। तो इसका एक कॉम्पिटिटिव रीज़न है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन होती है। रेटिंग वाइज अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि लंगारा और डगलस में कौन सा बढ़िया है, दैट डिपेंड्स अगेन कि कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। लंगारा के पास कोर्स की वैरायटी ज़्यादा है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट डिग्री डिप्लोमा, जो भी आप कहो। तो ऑप्शन ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं पर्सनल अपना मेरा टेक है तो मैं लंगारा प्रेफर करूँगा, नॉट बिकॉज मैं उधर जा रहा हूँ ऑब्वियसली, बट मेरे हिसाब से लंगारा के पास कोर्स की डाइवर्सिटी है। चीज़ और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको लगता है कि वो कमेंट डाउन करने से या फिर मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो कोई नहीं, मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके पिंग कर दो, डीएम कर दो, मैं उसके आंसर कर दूंगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, इतना भी कोई बड़ा आदमी थोड़ी हो गया हूँ। अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू इट। और मैं एक्चुअली काफ़ी लोगों को मतलब गाइड कर देता हूँ, काफ़ी क्वेरीज़ होती है लोगों की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भी हेल्प करेगी। बढ़िया है, कनेक्ट कर लेंगे। और अगर आप सेम कॉलेज सेम सिटी में जा रहे हो तो एक कनेक्शन भी बन जाएगा, नेटवर्किंग भी हो जाएगी। अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत गलत बात है। बहुत मेहनत करता हूँ मैं इस वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब करो यार। मैं इस बार फोकस करके चल रहा हूँ कि इस बार मेरा एम है कि अगर 50 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। यार देखो, मेरा सीधा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के केस में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे उस हिसाब से तो मेरे लिए वो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं फिर वो इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा हूँ, किसी को भी नहीं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उस पर वर्क करूँगा। तो बस आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखो, अब ये तो बात थी लंगारा और डगलस की। मैं आगे ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें कंपेरिजन होंगे कॉलेजेस के, टोरंटो में, वैंकूवर में, विनिपेग में, जितनी भी जगह है। अगर आपके पास कोई सजेशन है या एडवाइस है, कमेंट डाउन कर दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और पूरा टाइम दूंगा उस वीडियो की रिसर्च पे। सो साइनिंग ऑफ, प्रभजोत गंभीर।